उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में फिर से हुई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सूरजपोल स्थित शिवजी और हनुमान जी के मंदिर में मूर्तियां जलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सूरजपोल क्षेत्र में एक बार फिर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। शहर के रंगनिवास मार्ग पर स्थित होटल शंभू विलास के सामने हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को देर रात अज्ञात बदमाशों ने खंडित कर दिया। सुबह जब मंदिर में पूजा करने श्रद्धालु पहुंचे तो लोगों को इसकी जानकारी मिली है। सूचना मिलते ही क्षेत्रवासी भी मौके पर एकत्रित हो गए और उसके बाद क्षेत्रवासियों ने वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह को भी मौके पर बुलाया और सूरजपोल थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर का मौका मुआयना कर रही है। साथ ही होटल के बाहर लगे CCTV कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि सूरजपोल क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व ही दो मंदिरों में मूर्तियों को जला दिया गया था। उसके बाद से ही शहर में सामाजिक संगठन एकत्रित होने लगे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सूरजपोल क्षेत्र में ही एक बार फिर से हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश है।